I'm 37 now. यूथ प्रेसिडेंट 35 साल से ऊपर मेरे हिसाब से होना नीचे बाकी हैं तंजीमों के, वो तो मुझे लगता है वो हाफ सेंचुरी भी क्रॉस की है उनने तो, बट ठीक है, ट्रांजिशनरी है, आई थिंक somebody else should take the baton. जुनैद साहब मुझे ये बताइए, इससे पहले आपने ये क्यों नहीं सोचा कि किसी और को मौका मिलना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए? उस वक्त मुझे लगा था मैं यंगस्टर हूँ, अब नहीं लगता है मैं यंगस्टर हूँ, अब लगता है अब उम्र हो गई है. कि हम ऐसा समझे कि आप जेके अपनी पार्टी को आप अलविदा करने वाले हैं जल्दी? तो फिर मैं वही कहता ना, मैं अलविदा करता, मैंने तो आई हैव एक्सप्रेस सपोर्ट टू माई सक्सेसर एंड आई हैव एक्सप्रेस सपोर्ट टू द पार्टी प्रेजिडेंट एंड द पार्टी एज वेल. And I have said that my full support is with the party, and whoever party wants to appoint as my successor, I will fully support that person and the youth wing as well. But sometimes posts and positions are not that important. Some other things are very important. Posts and positions are not that important. Convictions are important. पोस्ट एंड पोजीशंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. जुनैद साहब, असरनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो 5 इयर्स टर्म है अब वो एंड होने वाला है, कहीं ना कहीं लोग इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि अब आप जो है नई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि अब इलेक्शंस भी है आगे असरनगर म्युनिसिपल काउंसिल के. मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी छोड़ नहीं रहा हूँ. श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अक्टूबर तक टर्म है, दैट इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड. ये एक यहाँ पे रिवायत बन गई है और ये बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रिवायत बनाई है कि आप जब तक कब्र के मरहले तक नहीं पहुँचे आपको पोस्ट नहीं छोड़ना है. आप 20 साल यूथ प्रेसिडेंट रहना है. मतलब आप जब यूथ प्रेसिडेंट बने तब जो बच्चे पैदा हुए वो आज कॉलेज में भी हैं, लेकिन यूथ प्रेसिडेंट को आपको ही रहना है. ये मेरे जहन में रिवायत नहीं है. आई हैड 2 इयर्स एज द फर्स्ट यूथ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. एक दो साल अब किसी और का मौका है, कोई 25-28 साल का जो कॉलेज एक्टिविस्ट हो, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो, वो यूथ प्रेसिडेंट बने. जुनैद साहब, कहीं ना कहीं इसमें ये भी रीजन है कि आपने डिफरेंट पार्टी ज्वाइन की है टाइम टू टाइम, तो कहीं ना कहीं लोग भी अब कंफ्यूज हो रहे हैं, शायद आप अब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं. मेरी सियासत से लोग हमेशा कन्फ्यूज होंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं है. माई एफर्ट ऑलवेज हैज बीन इन द 12 इयर्स ऑफ करियर आई हैव हैड टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव स्पेस इन श्रीनगर. मेरा बाप मिनिस्टर होता तो मुझे क्रिएट ऑल्टरनेटिव स्पेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं आता हूँ, सो माई पॉलिटिक्स हैज़ हैड अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व एंड इट विल हैव अ स्टीप लर्निंग कर्व एंड आई विल कंटिन्यू टू डू एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू गिव द पीपल ऑफ श्रीनगर अ बेटर मोर डिजर्विंग ऑल्टरनेटिव एट एवरी स्फीयर ऑफ टाइम.